आर्टिकल 15 संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें शोषित वंचित दलित पिछड़े के साथ हो रहे भेदभाव पर लगाम लगाने की व्यवस्था दी गई है। इस अनुच्छेद में जाति धर्म लिंग भेदभाव से ऊपर उठकर समता मूलक समाज की स्थापना पर पूर्णतया जोर दिया गया है। महिला को संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षा देने की वकालत की गई। आखिर ब्राह्मण महासभा द्वारा यह कुंठित मानसिकता के लोगों द्वारा आर्टिकल 15 मूवी का इतना विरोध क्यों? बताते चले कि इसी तरह बीते कई वर्षों पहले फूलन देवी पर हुए अत्याचार को लेकर एक मूवी बैंडेड क्वीन बनाई गई थी जिसे शेखर कपूर ने निर्देशित किया था जिसमें लगभग सजीव चित्रण जैसा दिया गया था। लेकिन उस समय भी सौरव वर्ग ने फिल्म को पूरे देश में चलने नहीं दिया था बल्कि इन लोगों ने बैंडेड क्वीन मूवी को रिलीज ही होने नहीं दिया था। आखिर एक बार फिर ब्राह्मण महासभा कर्ण सेना आदि उपद्रवी लोगों के द्वारा अपने कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए आर्टिकल 15 फिल्म के विरोध के नाम पर पटना से लेकर कानपुर बरेली से लेकर दिल्ली तक बवाल काटा जा रहा है। शायद ब्राह्मण महासभा या यह लोग समता मूलक समाज नहीं होने देना चाहते। आजादी के 72 साल बाद भी आज तक पूरे देश में भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाए हुए है इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है और अब ऐसे लोग चाहते कि दलित और पिछड़ों के ऊपर इनका अत्याचार चलता रहे। क्या अब इन्हें गुलाम बनाकर पहले जैसा शोषण करना चाहते? इसी कारण संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर ये लोग उत्पात मचा रहे। आखिर ब्राह्मण महासभा सच का सामना करने से क्यों डरता है? हजारों सालों तक दलित व पिछड़ों को अधिकार नहीं दिया गया और खूब खाका कर पेट फुलाया गया। आज जब दलित पिछड़ा वर्ग जागरूक हुआ तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? योगी सरकार को सरदार सेना चेतावनी देती है कि रोक लो मनुवादी गुंडों को जो संविधान के अधिकारी पर बनी फिल्म आर्टिकल 15 को सिनेमा हॉलों व मॉल में सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे और उपद्रव फैला रहे हैं। अगर आप सिनेमा हॉलों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो अब सरदार सेना के सैनिक पूरे दल बल से लैस होकर सिनेमा हॉलों की सुरक्षा देंगे। अगर ये उपद्रवी सामने आए तो प्रदेश की कानून व्यवस्था व माहौल खराब होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। अब सरदार सेना इन मनवादियों को सबक सिखाएगी। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि देश भर के तमाम दलित व पिछड़े वंचित शोषित समाज के वे लोग जो संविधान को मानते और समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं वे लोग सब मिलकर इस मूवी को एक बार नहीं कई बार देखें और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें ताकि ब्राह्मणवादी मानसिकता को परास्त किया जा सके। आप सम्मानित पत्रकार साथियों को सरदार सेना राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आर एस पटेल की तरफ से नमस्कार। जय सरदार। साथियों, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, आज सरदार सेना द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में आप सभी लोगों से चर्चा का जो विषय है वो विषय योगी सरकार द्वारा फिल्म आर्टिकल 15 को सुरक्षा न देने के संबंध में है। बताते चलें कि आर्टिकल 15 जो मूवी है यह पूरी तरह इस देश में हो रहे ज्यादती और सामाजिक भेदभाव पर को दूर करने के लिए संविधान के आर्टिकल 15 में जाति धर्म लिंग स्थान आदि के नाम पर जो भेदभाव हुआ है उसको दर्शाया गया है। कौन लोग विरोध कर रहे हैं जिसको लेकर ब्राह्मण महासभा ने पूरे देश में उन्माद फैला दिया। पटना में मूवी नहीं चलने दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मूवी नहीं चलने दिया गया, तोड़फोड़ हुआ। आगरा मेरठ में तोड़फोड़ किया इन ब्राह्मण महासभा के लोगों ने। आप लोग इसमें क्या करेंगे? दिल्ली में तोड़फोड़ किया। साथी, आज जो हम सरदार सेना इस विषय में क्या करने जा रही है बता रहा हूँ। साथी, सरदार सेना ने जो आज आयोजन किया है, हम बता दें कि नपुंसक योगी सरकार जिन्होंने मूवीज को सुरक्षा नहीं दे पाए, जो लोग उन्मादी लोग कुछ चंद मुट्ठी भर लोग मूवीज को बंद करा दे रहे हैं, SSP और DGP तक शांत हो जा रहे हैं, यह इनकी मूक बधिर होने का संकेत है। साथी, तो हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, यदि ये लोग चुप रहते हैं, ये लोग हमारे आवाज को दबाते हैं, मूवी नहीं चलने देते हैं, तो संविधान के अभिरक्षा के लिए यदि प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेती है तो सरदार सेना के सैनिक उत्तर प्रदेश के तमाम सिनेमा हॉलों के सामने जिस भी हालात में ये उन्मादी लोग उत्पात करेंगे, पहले हम इनको शांति से मनाएंगे और ये शांति से नहीं मानेंगे, तो ये यदि हमारे ऊपर प्रहार करते हैं तो इनको उसी की भाषा में हम जवाब देकर कानून के तिकंजे में इनको सौंपने का काम करेंगे। हिंसा पर भी उतर सकते हैं आप। साथी, मैं फिर कह रहा हूँ, सरदार सेना संवैधानिक संगठन है, हिंसा हमें नहीं करना है न हिंसा फैलाना है। अभी आपने कहा कि लेकिन ये लोग यदि हमें मारने आएंगे, ये लोग मूवीज तो आज ब्राह्मण समाज को आप ये चेतावनी देते हैं कि हम हिंसा पर उतर के ब्राह्मण समाज को नहीं, जो लोग उन्मादी होंगे,
अभी ब्राह्मण महासभा ने किया है, इसके अलावा जो लोग भी ऐसा करेंगे उनको हम लोग, ये लोग हमारे ऊपर डंडा चलाएंगे, तो अभिरक्षा में इनके ऊपर भी हमें चलाना, ये संवैधानिक नियम है, हम करेंगे। इतना ही नहीं, संविधान के रक्षा में सरदार सैनिकों को जान भी देना पड़े तो हम अपने जान पर खेल करके, अपने आप को कुर्बान करके इस देश की अभिरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए आर्टिकल 15 मूवीज को व्यवस्थित चलाने के लिए हम अपने जान की बाजी लगा दे, मुझे कोई गम नहीं है, सरदार सैनिक है। डॉक्टर साहब, कुछ दिन कुछ साल पहले एक वाटर फिल्म का निर्माण भी हो रहा था यहाँ पे, जिसमें ब्राह्मण के बारे में दिखाया गया था, तो उसको यहाँ बनने नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पर? साथी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ सालों पहले बैंडिट क्वीन मूवी भी आई थी, जिस पर फिर उन्मादी लोगों ने उत्पात किया था, उस मूवी को तो लागू ही नहीं होने दिया, लॉन्च ही नहीं हुई। आखिर क्या है इनके मन में, इनके अंतरात्मा में चोर क्यों बैठा है? ये इस देश में न्याय को नहीं करने देने चाहते, ये दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? इस पर यदि आर्टिकल 15 मूवी सत्यता दर्शाता है तो इनके पेट में दर्द क्यों है, इनको दस्त क्यों आ रही है, इनको उल्टी क्यों हो रही है? उल्टी हो रही है तो ये जाकर के अपना डॉक्टर के इलाज करावे, नहीं तो सरदार सैनिक इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनका इलाज भी करेंगे। नहीं नहीं, बवाल हुआ है। और मैं धन्यवाद देता हूँ जिला अधिकारी को, एसएसपी को और यहाँ के प्रशासन को कि इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था को व्यवस्थापित किया है। मैं शासन प्रशासन जिलाधिकारी समेत जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस देश के संविधान को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाया जा सके, जानकारियाँ दी जा सके।